नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जिले में बसपा सुप्रीमो मायावती के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैद दिखी। मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर फैजाबाद रोड पर स्थित शिव बाबा ग्राउंड में मायावती का जनसभा का आयोजन किया गया। सुबह से ही भारी बीएसपी समर्थकों की होड़ लगी रही। मायावती की एक झलक दीदार के लिए दलित समाज टूट पड़ा, क्योंकि काशीराम के जाने के बाद दलितों ने अपना मसीहा मायावती को ही माना। इसी दम पर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी यूपी विधानसभा 2022 चुनाव को देखते हुए मायावती ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। अम्बेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा सीटें अकबरपुर, कटहरी, जलालपुर, आलापुर, टांडा, सभी प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराने के लिए उन्होंने जनता से अपील की है कि हर एक बूथ जिताना है, बसपा की सरकार बनाना है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को अम्बेडकर नगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, सपा को छोड़कर आप लोग बसपा को क्यों वोट दें, ये आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये हिंदू, मुस्लिम और दलित विरोधी पार्टी है। दलितों का शोषण होता है, वे दलित और पिछड़े वोट के लिए कई तरह से ड्रामे करते हैं। जब उनकी पार्टी के अच्छे दिन थे तब भी उन्होंने हमारे लोगों को याद नहीं किया। बीएसपी के विकास उस दौर को याद करके 3 मार्च को आप अपने विधायकों को भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि हम उत्तर प्रदेश में दलितों की सरकार बना पाएं। अम्बेडकर नगर से राम तिलक विश्वकर्मा की देखिए खास।